आज मैं लेकर आई हूँ अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी आलू के चटपटे पकोड़े की अमेजिंग सी रेसिपी। वैसे तो पकोड़े आपने कई बार तरह तरह से बनाकर खाए ही हैं, तो एक बार मेरे तरीके से थोड़े अलग तरह से बने हुए ये पकोड़े बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इन चटपटे पकोड़ों को बनाना कैसे है, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बाउल में उबली और मेस करी हुई 4 मीडियम साइज की आलू लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से थोड़ा बड़ा कटा हुआ और थोड़ी कटी हरी धनिया अच्छे टेस्ट के लिए, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक ग्रेट करा हुआ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक। अब पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च, इससे इसमें बाइंडिंग आएगी और पकोड़े फटेंगे नहीं, क्रिस्पी भी बनेंगे। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और जैसे ही मिक्स होता है तभी हम हाथ से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो अब पकोड़ों का मिक्सचर परफेक्टली तैयार है। हाथों में ऑयल लगाकर नींबू के साइज का पोर्शन लेंगे और इस तरह से गोल करके चिकना करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसे रखेंगे हम एक प्लेट में और इसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे। ये वाली बॉल भी बनकर तैयार है, इसे भी प्लेट में रखेंगे और बाकियों को भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब सारी बॉल बनकर तो तैयार है, अब हम करेंगे इन्हें डीप फ्राई। ऑयल गरम करके इस तरह से बॉल को डालेंगे, जितनी जगह है पैन में उतने आप एक बार में डाल सकते हैं, इनको फटने की कोई टेंशन नहीं है। एक साइड जैसे ब्राउन कलर होता है इन्हें हम पलट देंगे। पलटकर अब इसी तरह से एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तभी इन्हें हम ऑयल से निकाल कर प्लेट में रखेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर और यम्मी लग रहे हैं ना। तो बस तैयार है आलू प्याज के एकदम नए तरीके के बने हुए सुपर क्रिस्पी पकोड़े। इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी है ये। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। तो अब आप भी अपने घरों में बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।